वेलकम टू दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे चाइनीज भेल, जो बहुत इजी और टेस्टी लगता है, सबको पसंद भी आता है। तो जिसके लिए मैंने सामग्री लिया है नूडल्स है, जिसको पहले मैंने पानी में बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद उसको कॉटन के कपड़े में थोड़ी देर आधा घंटा सुखा के रखा है। उसके बाद मैंने उसको डीप फ्राई किया है। डीप फ्राई करने के बाद ऐसे लूज नूडल्स आता है, ये फ्राई नूडल्स है। बाद में मैंने सामग्री लिया है स्प्रिंग ऑनियन, जो पत्ते हैं उसको बारीक कट किया हुआ, केबेज है, गाजर है, एक कैप्सिकम है और ये नमकीन सिंग है, जो चाइनीज भेल में डालने से टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने पाइनएप्पल भी लिया है, पाइनएप्पल से पूरा टेस्ट चेंज हो जाएगा। और विनेगर है और ये है सोया सॉस। और मैंने टोमेटो केचप लिया है और उसमें एक टेबल स्पून रेड चिली सॉस डाला हुआ है। अभी हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी ये मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी एक पैन में मैंने एक टेबल स्पून ऑयल रखा है गरम होने को, जिसमें मैं कैप्सिकम डाल दूंगी। इसको जरा सा हम पकने देंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे। इसमें हम स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे, एक स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। इसको ज्यादा पकाना नहीं है, अभी मैं इसमें गाजर डाल दूंगी और कैबेज भी डाल दूंगी। और इसको थोड़ा सा अच्छे से हिलाऊंगी। अभी हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे थोड़ा सा। और मैंने नमकीन सिंग लिया है, वो डाल दूंगी उसमें और एक बार हिलाऊंगी। अभी मैं इसमें सॉस ऐड कर देती हूँ। मैंने सोया सॉस, रेड चिली सॉस और टमाटो केचप लिया है और थोड़ा सा विनेगर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसमें पाइनएप्पल डाल दूंगी, एक कटोरी पाइनएप्पल लिया है मैंने। अभी मेरे पास जो हक्का नूडल्स है वो मैं ऐड करूंगी। और जो स्प्रिंग ऑनियन है उसको भी डाल दूंगी साथ में और एक बार अच्छे से हिला लूंगी। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, चाइनीज भेल अच्छे से बन गया है।
कलर टेस्ट और सब अच्छा दिख रहा है। उसको ज़्यादा गर्म करना ज़रूरी ही नहीं है, ज़रा सा सब्ज़ी को ही तेल में फ्राई करना है ज़रा सा। अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और एक बाउल में निकाल दूँगी। और उसको पाइनएप्पल से डेकोरेट करूंगी। अभी रेडी है हमारा चाइनीज़ भेल।